क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मरने के बाद आपके गूगल अकाउंट और आपके एप्पल के क्लाउड सर्विस में सेव हुए डेटा का क्या होगा? इसके बारे में गूगल ने भी सोचा, जिसके बाद हमें एक फीचर प्रदान किया है जिसमें अब हमें ये सोचने की अनुमति होगी कि कब हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट किया जाएगा, साथ ही इसके बाद हमारे डेटा का क्या होगा। अगर आप गूगल की पॉपुलर सर्विस जैसे जीमेल सर्च या गूगल फोटो जैसी गूगल सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, या अगर आपके पास सिर्फ एंड्रॉयड फोन है, तो गूगल के पास आपके या आपकी आदतों के बारे में बहुत सारा डेटा होगा। कुछ लोग पेमेंट करने के लिए अपने बैंक कार्ड की डिटेल और गूगल पे जैसे ऐप्स भी यूज करते हैं, जिसमें ये डेटा सेव हो जाता है। हमारे गूगल अकाउंट की इन सभी संवेदनशील जानकारियों के लिए हमें अपने गूगल अकाउंट के डेटा के लिए एक प्लान बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हो सकता है हम सब कुछ किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहें जो हमारे बाद इस पर ध्यान दे सके। आइए एक नज़र डालते हैं कि अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रखा जाए। जब कोई व्यक्ति महीनों तक अपने गूगल खाते का इस्तेमाल नहीं करता है, तो उसका अकाउंट कुछ दिनों में ही डीएक्टिवेट हो जाता है। मूल रूप से जब गूगल को लंबे समय तक किसी खाते में कोई गतिविधि नहीं मिलती है, तो वह खुद ही उसे डीएक्टिवेट कर देता है। हालांकि गूगल अब आपको ये तय करने देता है कि उसे कब आपके खाते को डीएक्टिवेट माना जाना चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए और डेटा कब डीएक्टिवेट होना चाहिए, ये सब तय करने की अनुमति गूगल अब से देगा। गूगल यूजर्स को एक विश्वसनीय व्यक्ति के साथ खाता और उसका डेटा शेयर करने का ऑप्शन देता है, या वह गूगल से कह सकते हैं कि खाता डीएक्टिवेट होने पर उसे डेटा दिया जाए। एक अच्छा फीचर ये है कि गूगल यूजर को खाते को डीएक्टिवेट मानने के लिए एडिशनल वेटिंग पीरियड निर्धारित करने की अनुमति देता है। यूजर्स अधिकतम 18 महीने तक चुन सकते हैं। इसे मैनेज करने के लिए आप myaccount.google.com inactive पर जा सकते हैं। नोट करें कि सबसे प्रमाणिक और जरूरी बात ये है कि आप अपने पासवर्ड को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कर रहे हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं। एक बार जब आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाते हैं, तो आपको सबसे पहले डीएक्टिवेट ईमेल आईडी, फोन नंबर और अन्य विवरणों के लिए प्रतीक्षा अवधि दर्ज करनी होगी। इसके बाद गूगल आपको अधिकतम 10 लोगों को चुनने का विकल्प देगा जिन्हें आप सूचित करना चाहते हैं जब आपका गूगल खाता डीएक्टिवेट हो जाता है और अब आप खाते का इस्तेमाल नहीं कर रहे। डाउनलोड करने की होती है परमिशन। यूजर्स अपने कुछ डेटा का एक्सेस और इसे डाउनलोड करने का विकल्प भी दे सकते हैं। इसके लिए एक विश्वसनीय ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है। अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपके गूगल खाते का डेटा एक्सेस करे, तो आपको किसी ईमेल आईडी जोड़ने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये होगा कि आपका डेटा हटा दिया जाए और आपका खाता डीएक्टिवेट होने के बाद कोई भी इसे कभी भी रिस्टोर नहीं कर पाएगा। लिस्ट में गूगल पे, गूगल फोटो, गूगल चैट, लोकेशन हिस्ट्री और अन्य सभी चीजें शामिल हैं, जो एक यूजर्स ने अपने गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करके किया होगा। ये नोट करना महत्वपूर्ण है कि आपके विश्वसनीय कॉन्टेक्ट के पास आपका गूगल खाता डीएक्टिवेट होने के बाद सिर्फ 3 महीने तक एक्सेस होगा। भेजा जाएगा ईमेल। गूगल आपके द्वारा सेटअप के दौरान लिखी गई सब्जेक्ट लाइन और कंटेंट के साथ विश्वसनीय कॉन्टेक्ट को एक ईमेल भेजेगा। गूगल का कहना है कि वह उस ईमेल में एक फुटर जोड़ देगा, ये समझाते हुए कि आपने अपने खाते का उपयोग बंद करने के बाद कंपनी को अपनी ओर से एक ईमेल भेजने का निर्देश दिया है। अगर आप डीएक्टिवेट के बाद अपने सभी डेटा को हटाना चुनते हैं, तो गूगल आपके पास मौजूद सभी चीजों को हटा देगा। इसमें YouTube वीडियोस, लोकेशन हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री, गूगल पे डेटा,
और अन्य कंटेंट शामिल है। अगर आप एक विश्वसनीय कॉन्टैक्ट चुनते हैं तो ईमेल में उस डेटा की एक सूची होगी जिसे आपने शेयर करने के लिए चुना है। तो अब हमें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हमारे मरने के बाद या हमारे अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देने के बाद हमारा डेटा सेफ है या नहीं, या फिर कोई इसे शेयर तो नहीं कर रहा। अगर आप हमारी बताई हुई जानकारी के हिसाब से सेटिंग्स करते हैं तो फिर आपको अपने डेटा की चिंता करने की जरूरत नहीं।